जो लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं उनकी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। एक प्रचलित लोक कथा से ये बात समझ सकते हैं। कथा के अनुसार एक सेठ को रात में नींद नहीं आ रही थी। वह घर में अकेला था, परिवार रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे। उसका मन अशांत था। सेठ ने सोचा कि घर के पास स्थित मंदिर तक घूमाता हूँ, शायद भगवान के दर्शन करने से मन शांत हो जाए। जब सेठ मंदिर पहुँचा तो उसने देखा कि एक वृद्ध आदमी प्रतिमा के सामने बैठकर रो रहा है। सेठ उसके पास आया और पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी पत्नी बीमार है और उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि पैसों की व्यवस्था कैसे होगी। सेठ ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी का इलाज मैं करवा दूंगा। सेठ ने तुरंत ही अपने पास रखे सभी पैसे निकाल कर उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए। इतना धन देखकर वह आदमी खुश हो गया और सेठ को धन्यवाद देने लगा। सेठ ने कहा कि अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अगर तुम्हें और ज़रूरत हो तो मेरे घर चलो। वृद्ध ने कहा कि नहीं, इतने पैसों में काम हो जाएगा। पैसा लेकर वह व्यक्ति तुरंत ही चला गया। ज़रूरतमंद की मदद करने के बाद सेठ का मन अब शांत हो गया था। उसने भगवान को प्रणाम किया और सोचने लगा कि शायद इसी वजह से मैं सो नहीं पा रहा था, भगवान को मेरे माध्यम से इस गरीब की मदद करवानी थी। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं उनकी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। बस हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, धैर्य बनाए रखें और ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए। साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। बोलो जय श्री कृष्णा।